एवरीवन, सो फ्रेंड कैसे हैं आप सभी। आशा है आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और जोर शोर से आप सभी की पढ़ाई चल रही होगी। सो गाइस, आज से हम चरक संहिता का दूसरा अध्याय जो कि अपामार्ग तंडुलीय अध्याय उसे हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। एकदम आसान से टॉपिक है और इस चैप्टर को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है। पहले पार्ट में तो हम क्या देखेंगे, पंचकर्म में होने वाले उपयोग होने वाले द्रव्यों को देखेंगे, ठीक है। और इसका जो सेकंड पार्ट है इसमें 28 प्रकार के यवागु का वर्णन किया गया है, तो उसको भी हम सेकंड पार्ट में कवर करेंगे, ठीक है। अब ये यवागु क्या होता है, तो उसके लिए आपको क्या करना है, ये जो चैप्टर जो मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ इस सीरीज में आपको बने रहना, ठीक है। चलिए, तो आज के इस लेक्चर में तो हम क्या करेंगे, वो सारे ड्रग्स देखेंगे जो पंचकर्म में उपयोग किए जाते हैं, ठीक है। तो चलिए, वो सारी चीज़ें स्टार्ट करने से पहले आपको मैं चैप्टर से इंट्रोड्यूस करा देता हूँ। तो हम जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो कौन सा टॉपिक है, अपामार्ग तंडुलीय अध्याय। यहाँ पर कई स्टूडेंट के मन में सवाल उठा होगा, अगर नहीं उठा है तो उठना चाहिए कि इस चैप्टर का नाम अपामार्ग तंडुलीय अध्याय क्यों पड़ा, ठीक है। तो देखिए, यहाँ पर आप देखेंगे इस चैप्टर के नाम को जब आप तोड़ेंगे तो यहाँ पर आपको दो शब्द दिखाई देंगे। एक तो आपको शब्द दिखाई दे रहा है जो कि क्या है, अपामार्ग, ठीक है। और दूसरा शब्द आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है जो कि क्या है, तंडुलीय। तो अगर मैं अपामार्ग की बात करता हूँ तो अपामार्ग क्या होता है, अपामार्ग एक औषधि है। क्या है ये, औषधि है, है ना। या तो आप ऐसा बोल दो ये क्या है, जड़ी बूटी है। ये क्या है, जड़ी बूटी है, जिसे चिरचिटा के नाम से भी जाना जाता है, है ना। चिरचिटा हो गया या चिचड़ी हो गया, एक तरह से क्या होता है, एक प्रकार से खरपतवार होता है, ठीक है। तो ये चिरचिटा चिरचिड़ी नाम की क्या होती है, औषधि होती है, है ना। और तंडुलीय की अगर हम बात करते हैं तो तंडुलीय क्या होता है, तंडुलीय का मतलब होता है बीज। और यहाँ पर जो तंडुलीय इसका वर्णन कुछ इस प्रकार से किया गया है कि छिलका रहित बीज, ठीक है। तो ठीक है, अपामार्ग का मतलब क्या होता है, औषधि है एक प्रकार की, और तंडुलीय का मतलब क्या होता है, बीज। मतलब यहाँ पर अपामार्ग के बीज इसका मतलब क्या हो जाएगा, अपामार्ग का बीज। तो ठीक है, अपामार्ग का बीज इसका मतलब होता है, लेकिन इस चैप्टर का नाम ये क्यों पड़ा, देखो इस चैप्टर का नाम ये इसलिए रखा गया ऐसा, क्योंकि जब हम क्या करेंगे, शिरोविरेचन में पहला द्रव्य देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर पहला द्रव्य जिसका वर्णन किया गया है वो क्या है, अपामार्ग, ठीक है। तो चूंकि यहाँ पर सबसे पहले अपामार्ग द्रव्य का वर्णन किया गया है, तो उसी के अनुसार इस चैप्टर का नाम क्या रख दिया, अपामार्ग तंडुलीय अध्याय रख दिया, ठीक है। बस ज्यादा यहाँ पर कोई इतना लॉजिक भी नहीं है, ठीक है। यहाँ पर चूंकि सबसे पहले इस द्रव्य का वर्णन किया गया है, इस द्रव्य का क्या किया गया, वाक्यांश दिया गया है, तो इसीलिए क्या कर दिया, यहाँ पर इस द्रव्य का वाक्यांश बोल सकते हैं, इस द्रव्य का चूंकि यहाँ पर सबसे पहले क्या किया गया है, व्याख्या की गई है या वर्णन की गई है, इसीलिए इस चैप्टर का नाम क्या रख दिया, अपामार्ग तंडुलीय अध्याय रख दिया, ठीक। चलिए, तो ये वाला जो चैप्टर है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि इस चैप्टर में हम क्या करेंगे, दो पार्ट देखेंगे। सबसे पहले पार्ट में तो हम क्या करेंगे, पंचकर्म में उपयोग होने वाले द्रव्य को देखेंगे, ठीक है। और इसका जो सेकंड पार्ट आएगा, जहां पर मैं आपको क्या पढ़ाऊंगा, यवागु पढ़ाऊंगा, जहां पर मैं आपको यवागु के बारे में बताऊंगा। टोटल यवागु कितने होते हैं, 28 यवागु होते हैं। अब यवागु क्या होता है उसको मैं सेकंड पार्ट में ही आपको क्या करूंगा, इसके बारे में डिस्क्राइब करूंगा, ठीक है। तो इसका यहाँ पर वर्णन किया गया है, ठीक। तो चलिए, इसका पहला पार्ट जो कि क्या है, ड्रग्स विच इज यूज्ड इन पंचकर्म। अब देखिए, जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट है उनके मैंने प्रॉब्लम को सोल्व कर दिया है, है ना। कई मेरे पास इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं, जैसे कि बात करते हम कर्नाटका हो गया, महाराष्ट्र हो गया, या गुजरात के कुछ कॉलेजेस हैं जहाँ पर इंग्लिश मीडियम बच्चे क्या करते हैं, प्रेफर करते हैं, ठीक है। तो आपकी मैंने जो प्रॉब्लम है वो मैंने क्या कर दी है, सोल्व कर दिए। देखिए आप, मैं जो हिंदी में नोट्स लेकर आया हूँ वही सेम चीज़ देखिए आप इंग्लिश में लेकर आया हूँ, ठीक है। जो मैं हिंदी में लेकर आया हूँ वही सेम चीज़ यहाँ पर आप देखिए इंग्लिश में लेकर आया हूँ। और ऐसा नहीं कि मैंने इंग्लिश में कुछ चेंज किया है या कहीं से छाप लिया, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैंने क्या किया, जो हिंदी में लिखी हुई है उसी को मैंने क्या कर दिया, इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दिया, ठीक है। तो अब आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, आपको जो हिंदी में कंटेंट मिल रहा है वही सेम टू सेम कंटेंट इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट को मिलेगा। बाकी आप हिंदी तो समझते हो ही, ठीक है। तो आप हिंदी में समझ लो
और नोट्स आप इंग्लिश में आपके लिख लो, ठीक है। जो हिंदी मीडियम का स्टूडेंट है वो हिंदी में लिख लेना, जो इंग्लिश मीडियम का स्टूडेंट है वो क्या करना, इंग्लिश में नोट्स लिख लेना, ठीक है। चलिए उसके अलावा जो यूट्यूब पर लेक्चर देख रहे हैं उनको मैं इन्फॉर्मेशन दे दूँ, चाहे आप हिंदी मीडियम के हो चाहे आप इंग्लिश मीडियम के हो, मैं दोनों प्रकार के नोट्स आपको कहाँ पर देता हूँ, अपने एप्लीकेशन में देता हूँ, है ना। एप्लीकेशन में आपको डेली लेक्चर भी मिलते हैं, है ना, और वहाँ पर अकॉर्डिंग टू शेड्यूल क्या होती है आपकी क्लासेस होती है, ठीक है। तो जो भी स्टूडेंट यूट्यूब पर लेक्चर देख रहा है, ठीक, तो अगर आपने एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किया आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए, या तो हमारी वेबसाइट www.ayurvedawings.com जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने दे रखा है, ठीक है। तो आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए, वहाँ पर मैंने फ्री कंटेंट अपलोड कर रखा है, आप उसे चेक कीजिए, जिससे आपको नॉलेज रहेगी कि हमारे यहाँ कैसे क्लासेस होती है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या मिलता है, एप्लीकेशन में डेली लेक्चर मिलते हैं। अगर हम यूट्यूब की बात करते हैं तो यूट्यूब में आपको 4-5 दिन में एक लेक्चर मिलता है, लेकिन वहाँ पर आपको क्या मिलेगा, डेली लेक्चर मिलेगा। एकदम मिनिमम प्राइस मैंने हर एक कोर्स की रखी है मैंने, है ना। या तो आप कंप्लीट बंडल ले सकते हो BMS फर्स्ट क्रॉप का, जिसकी वैलिडिटी कब तक रहेगी, जब से आप परचेस करेंगे उसके बाद से 18 मंथ तक रहेगी, ठीक है। या तो आप डिफरेंट सब्जेक्ट वाइज कोर्स है उसमें भी आप एनरोल कर सकते हैं, एकदम मिनिमम प्राइस है। तो अगर आपने डाउनलोड नहीं किया तो आप चेक कीजिए, ठीक। चलिए तो ये मैंने थोड़ा सा अपना प्रमोशन मार दिया, चलिए अब ज्यादा टाइम को वेस्ट न करते हुए हम फटाफट इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं, ठीक। चलिए तो हम क्या पढ़ने वाले हैं आज के इस लेक्चर में, जो भी ड्रग्स पंचकर्म यूज किए जाते हैं। अब आपके दिमाग में सवाल आया होगा कि सर ये पंचकर्म क्या होता है, तो देखिए क्या होता है, आयुर्वेद में चिकित्सा जो होती है वो दो प्रकार की होती है। अब मैं इसको कहाँ पर बताता हूँ, चलो नीचे बताता हूँ, थोड़ा सा जगह होना चाहिए तब मजा आता पढ़ाने में। चलिए देखो तो आयुर्वेद में क्या होता है, आयुर्वेद में दो प्रकार की चिकित्सा होती है ना, आयुर्वेद में दो प्रकार की चिकित्सा होती है। एक तो आपकी कौन सी चिकित्सा, एक तो आपकी शोधन चिकित्सा, और दूसरी चिकित्सा अगर हम बात करें तो कौन सी चिकित्सा होती है, समन चिकित्सा, ठीक है। अगर मैं समन की बात करता हूँ तो समन में क्या करते हैं, समन में बड़े हुए दोषों को, यहाँ पर क्या करते हैं, अगर हम समन की बात करते हैं तो समन में क्या करते हैं, बड़े हुए दोषों को शांत करते हैं, क्या करते हैं, शांत करते हैं। इसमें लंघन हो जाएगा, दीपन हो जाएगा, तृष्णा, इस तरह की यहाँ पर क्या होती है, चिकित्सा होती है, ठीक है, जिसको मैं यहाँ पर फोकस नहीं कर रहा हूँ, ठीक। उसके बाद अगर हम शोधन की बात करते हैं तो शोधन में क्या करते हैं, शोधन में जो बड़े हुए दोष जो है उनको क्या करते हैं, उनको शरीर से बाहर निकालते हैं। तो इसको है ना आप कुछ इस प्रकार से आप समझ लो, जैसे कि मान लो एक जमीन है, ठीक है, जमीन में अगर मान लो थोड़ा सा गिरा है ना, या हल्की सी वहाँ पर क्या है, नमी है, तो वो जो नमी है या थोड़ा सा जो गीला है वो क्या हो जाएगा, अपने आप सूख जाएगा, ठीक है। मान लो अगर क्या है, थोड़ा सा ज़्यादा गीला है ना, तो आप क्या करेंगे, वहाँ पर थोड़ा मिट्टी वगैरह डाल देंगे, और मिट्टी वगैरह डालकर क्या कर देंगे, उसको आप क्या कर देंगे, सुखा देंगे, है ना। अगर मान लो बहुत ज़्यादा गीला है, बहुत ज़्यादा इन द सेंस कि मतलब मान लो पानी से भरा हुआ कोई गड्ढा है, ठीक है, तो अगर आप वहाँ पर मिट्टी डालेंगे तो क्या होगा, वहाँ पर और ज़्यादा बिगड़ जाएगा वो, है ना। अगर मान लो पानी से भरा हुआ कोई गड्ढा है, अगर आप उसमें मिट्टी डालोगे तो क्या हो जाएगा, वो और ज़्यादा बिगड़ेगा, और ज़्यादा खराब होगा वहाँ पर, ठीक है। तो आपका यहाँ पर क्या होगा, फिर एक ही तरीका होगा, आप क्या करो, उस पानी को क्या कर दो, बाहर निकाल दो। तो ठीक उसी प्रकार से हमारी बॉडी में भी क्या होता है कि अगर मान लो थोड़े से दोष बड़े हुए तो हमारी बॉडी क्या करती है, उसको कंजेस्ट कर देगी, ठीक है। लेकिन मान लो थोड़े ज़्यादा बड़े तो हम क्या करते हैं, फिर वहाँ पर समन चिकित्सा करते हैं। समन चिकित्सा हम क्या करते हैं, जो बड़े हुए दोष, बात आती दोष जो बड़े हुए उनका हम क्या करते हैं, थोड़ा सा शांत कर देते हैं। लेकिन अगर मान लो ये जो बात आती दोष अगर क्या लिमिट से ज़्यादा बढ़ चुके हैं, बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं, तो आपको फिर क्या करना पड़ेगा, ये जो बड़े हुए दोष है इनको क्या करना पड़ेगा, आपको बॉडी से बाहर निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो ये जो बड़े हुए दोष है इनको अगर आपको क्या करना है, बॉडी से बाहर निकालना है, तो इसके लिए आयुर्वेद में जो चिकित्सा बताई गई है उसे हम क्या कहते हैं, शोधन चिकित्सा कहते हैं। अगर ये बड़े हुए दोष है इनको अगर आपको क्या करना है, बॉडी में शांत करना है, तो इसके लिए जो चिकित्सा बताई गई है वो कौन सी चिकित्सा है, समन चिकित्सा है। तो अगर मैं शोधन चिकित्सा की बात करता हूँ तो बड़े हुए दोषों को आप क्या करेंगे, इसमें बाहर निकालेंगे। तो यहाँ पर कई तरीके होते हैं, जैसे कि बात करते हैं आप यहाँ पर विरेचन कर सकते हैं, आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, आप यहाँ पर बस्ती कर सकते हैं, आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, आप यहाँ पर नश्य कर सकते हैं, आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, आप यहाँ पर रक्त मोक्षण कर सकते हैं,
रक्त मोक्षण कर सकते हैं। ठीक है, आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, आप यहाँ पर वमन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये पांच तरीके होते हैं जिनसे आप क्या करते हैं, वात आदि दोषों को क्या करते हैं, बॉडी से बाहर निकालते हैं। और ये जो पांच तरीके हैं इनको ही आयुर्वेद में क्या कहा गया है, जो पांच तरीके हैं इनको ही आयुर्वेद में पंचकर्म कहा गया है। क्या कहा गया है, पंचकर्म चिकित्सा कहा गया है। ठीक है, इनको ही क्या कहा गया है, पंचकर्म चिकित्सा कहा गया है। अगर मैं विरेचन की बात करता हूँ तो विरेचन में क्या, विरेचन कब करते हैं, अगर मान लो पित्त दोष डोमिनेंट है, अगर मान लो क्या है पित्त दोष डोमिनेंट है तो हम क्या करते हैं, पित्त दोष अगर मान लो बहुत ज्यादा बड़े हुए तो हम क्या करते हैं, विरेचन करते हैं। अगर मान लो वात दोष बड़ा हुआ है, अगर मान लो क्या बड़ा हुआ है, वात दोष बड़ा हुआ है, तो हम क्या करते हैं, भस्ती करते हैं, भस्ती चिकित्सा करते हैं। ठीक है, अगर मान लो आपको ये वाले एरिया में, अगर आपको ये जो सिर वाला जो एरिया है यहाँ पर अगर आपको कोई दोष बड़ा हुआ है, ठीक है, तो यहाँ पर अगर मान लो आपको व्याधि है, सिर की व्याधि है, तो सिर की व्याधि को दूर करने के लिए आप क्या करते हैं, नस्य यानी कि आप क्या करते हैं, शिरोविरेचन करते हैं। ठीक है, अगर मान लो आपका रक्त दूषित हो गया है तो वो दूषित रक्त जो है उसको बाहर निकालने के लिए आप क्या करते हैं, रक्त मोक्षण करते हैं। ये कब करते हैं, जब आपका रक्त क्या हो गया हो, दूषित हो गया हो। ठीक है, और अगर मान लो कफ दोष अधिक बढ़ गया है, तो आप क्या करते हैं, वमन करते हैं। ठीक है, तो ये जो पांच प्रकार की क्या होती है, शोधन चिकित्सा होती है, और ये पांच प्रकार की शोधन चिकित्सा होती है, इसे हम क्या कहते हैं, पंचकर्म कहते हैं। ठीक है, तो आज हम देखेंगे कि विरेचन कराने के लिए कौन कौन से द्रव्य उपयोग किए जाते हैं, ये बस्ती कराने के लिए कौन कौन से द्रव्य उपयोग किए जाते हैं, नस्य कराने के लिए कौन कौन से द्रव्य उपयोग किए जाते हैं, रक्त मोक्षण का तो नहीं है, और वमन के लिए कौन कौन से द्रव्य उपयोग किए जाते हैं, तो आज हम क्या देखेंगे, इस चैप्टर में देखेंगे। ठीक है, लास्ट चैप्टर जब हमने पढ़ा था दीर्घ जीवित्व में अध्याय, तो वहाँ पर भी हमने मूल की द्रव्य हो गया, फल इन द्रव्य हो गया, तो वहाँ पर भी कुछ द्रव्य के हमने वर्णन किया था, लेकिन यहाँ पर हम क्या करेंगे, स्पेसिफिक कौन कौन से द्रव्य विरेचन के लिए है, स्पेसिफिक कौन कौन से द्रव्य वमन के लिए है, स्पेसिफिक कौन कौन से द्रव्य नस्य के लिए है, तो वो सारी द्रव्यों का वर्णन हम क्या करेंगे, इस चैप्टर में देखेंगे, और यही क्या है, इस चैप्टर का एक बेसिक है। ठीक है, तो चलिए टाइम को ज्यादा वेस्ट नहीं करते हुए अब हम क्या करते हैं, हमारे टॉपिक पर आगे बढ़ते हैं। ठीक, तो ये तो क्या था, ये तो एक तरह से बेसिक था, और हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, ड्रग्स यूज्ड इन पंचकर्म थेरेपी में कौन कौन से ड्रग्स यूज किए जाते हैं, कौन कौन से द्रव्य यूज किए जाते हैं, उसको हम क्या करेंगे, आज इस चैप्टर में देखेंगे। ठीक है, तो चलिए आप टाइम को ज्यादा वेस्ट न करते हुए हम क्या करते हैं, टॉपिक पर आगे बढ़ते हैं। तो मैं थोड़ा आगे बढ़ने से पहले, जो लोग YouTube पर देख रहे हैं, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए, क्योंकि देखो आप ही लोग क्या करेंगे, मेरे को आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि मैं तो किसी स्टूडेंट के पास जाऊंगा नहीं, आप ही क्या करेंगे, दोस्तों में शेयर करेंगे तो उनको पता चलेगा। ठीक है, चलिए, तो देखो मैंने आपको क्या बताया था, इस चैप्टर का नाम अपामार्ग तंडुली क्यों पड़ा है, क्योंकि अपामार्ग मतलब क्या होता है, एक औषधि होती है, और तंडुली का मतलब क्या होता है, बीज होता है। तो ये देखिए आपके सामने मैं फोटो भी लेकर आया हूँ, तो ये किसका है, यही क्या है, ये अपामार्ग, इस प्रकार से आपको अपामार्ग देखने को मिलेगा। और देखिए आप यहाँ पर आपको ऊपर क्या दिखाई दे रही, सुंभी दिखाई दे रही, और इसके अंदर क्या है, बीज है। ठीक है, तो इसलिए इस चैप्टर का नाम क्यों पड़ा है, क्योंकि यहाँ पर हम सबसे पहले अपामार्ग क्या करेंगे, वर्णन करेंगे। ठीक, चलिए अब देखिए, तो क्या पढ़ने जा रहे हैं हम, ड्रग्स विच आर यूज्ड इन पंचकर्म थेरेपी। तो इस अध्याय में पंचकर्म के लिए प्रयुक्त होने वाले द्रव्यों का वर्णन किया गया है। अब मैंने आपको बता दिया पंचकर्म क्या होता है। ठीक है, तो देखिए अगर आपको सिर की शुद्धि के लिए, जिसको हम नस्य बोलते हैं, सिर की शुद्धि के लिए आपको क्या कराना होता है, आपको शिरोविरेचन कराना होता है। तो सिर की शुद्धि के लिए कौन कौन से द्रव्य लेंगे आप, शिरोविरेचन के द्रव्य लेंगे, जो कि हम आगे देखेंगे, है ना। अगर आपको अमाशय में कोई व्याधि है तो अमाशय की शुद्धि के लिए आपको क्या कराना है, आपको वमन कराना है ना। अगर आपको पंचमानाशय या पक्वाशय, मतलब आप ऐसा बोल दो, अगर आपको कोलोन की कोई व्याधि है तो आपको क्या कराना है, विरोचन कराना है, या तो आप बस्ती करा सकते हैं। बस्ती भी दो प्रकार की होती है, एक तो निरूह बस्ती होती है, एक अनुवासन बस्ती होती है। ठीक, चलिए, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सिरो विरेचन द्रव्य को देखेंगे, यानी कि अगर आपको हेड वाले एरिया में कोई व्याधि है, सिर वाले एरिया में अगर आपको कोई व्याधि है,
ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपको शिरोविरेचन द्रव्य उपयोग करना है। तो शिरोविरेचन द्रव्य कौन से है, तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए अपामार्ग का वर्णन किया गया है, और मैंने आपको बताया ना कि इस चैप्टर का जब आप क्या करते पढ़ते हैं तो सबसे पहले यहाँ पर अपामार्ग द्रव्य का वर्णन किया गया है, इसीलिए इस चैप्टर का नाम क्या दे दिया, अपामार्ग तंडुलीय दे दिया, ठीक है। जिसे हम क्या बोलते हैं, चिरचिटा के नाम से बोलते हैं, या एक और इसका नाम होता है चिचड़ी, ये भी बोलते हैं, ठीक है। तो अपामार्ग जो कि क्या होता है, एक तरह का शिरोविरेचन द्रव्य होता है, और अपामार्ग जो है वो क्या है, मुख्य शिरोविरेचन द्रव्य है। क्या है ये, मुख्य शिरोविरेचन द्रव्य, ठीक है। उसके बाद पिपली हो गया, मरीच मतलब काली मिर्च हो गई, वायुविडम हो गया, सहजन का बीज हो गया, सरसों तेजबल का फल हो गया, जीरा, अजगंधा, पीलू वृक्ष का बीज, बड़ी इलायची है ना, हरेणु, छोटी इलायची, फिर इसके बाद सुरसा, श्वेता, कुठेरक, और ये जो फणिंजक दिया, ये सब क्या है, ये सब तुलसी के भेद हैं, ठीक है, ये सब क्या है, तुलसी के भेद हैं, है ना। और फिर क्या हो जाएगा, सिरिस बीज है ना, और लहसुन, हरिद्रा, हरिद्रा क्या होता है, हरिद्रा का मतलब होता है हल्दी, ठीक। उसके बाद दारू हल्दी, सेंधा नमक और काला नमक, हमने लास्ट जब चैप्टर देखा था हमने पांच प्रकार के नमक को क्या किया था, वर्णन किया था, जिसमें से सेंधा नमक और काला नमक जो है वो क्या है, शिरोविरेचन द्रव्य है। उसके बाद ज्योतिष मती और सोंठ, ये सब क्या है, ये सब आपके शिरोविरेचन द्रव्य है, ठीक है। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, जब आप जैसे कि एक एग्जाम्पल के तौर पर आपको मैं देता हूँ, जैसे कि आपने आपको जब क्या होता है, जब ठंडी हो जाती है ना, मतलब सर्दी वगैरह हो जाती है, ठीक है, तो आपने सूंघनी सूंघा होगा, सूंघनी, जब सूंघनी सूंघते हैं है ना, उसको कोई द्रव्य होता है, जब आप उसको क्या करते हैं, सूंघते हैं, तो आपको फिर क्या होता है, नाक से क्या होता है, पानी आता है, आपको खूब छींक आती है, नाक से पानी आता है, आँख से पानी होता है, तो हम क्या करते हैं, ये जो शिरोविरेचन द्रव्य है इनका हम उपयोग करते हैं, और उपयोग करने से हम क्या करते हैं, आँख से पानी निकालते हैं, नाक से पानी निकालते हैं, या मुँह से हम लार निकालते हैं। जैसे कि अगर मान लो आपको सिर में खूब भारीपन लगे है ना, तो आप क्या करो, 3-4-5 काली मिर्च को चबा जाओ, तो जब चबाएंगे ना, एक तो आपको तीखा लगेगा, साथ में आपके मुँह से खूब लार आएगी, तो जो लार आएगी तो उस लार के थ्रू क्या हो जाएगा, आपका जो बढ़ा हुआ कफ है, शिरोविरेचन कब कराते हैं पता है, जब सिर में मेनली अगर कफ दोष बढ़ जाता है तब क्या करते हैं, शिरोविरेचन करते हैं, तो वो जो बढ़ा हुआ कफ है वो क्या हो जाएगा, इस लार के थ्रू, या जो भी आप स्राव निकाल रहे हैं है ना, आँख निकाल रहे हैं, नाक से पानी निकाल रहे हैं, लार निकाल रहे हैं, तो इनके साथ साथ ये जो स्राव या लिक्विड जो निकलेगा, इनके साथ साथ जो बड़े हुए दोष वो क्या हो जाएंगे, बाहर निकल जाएंगे, ठीक है। तो इन सारे द्रव्यों का आप उपयोग करते हैं, किस लिए, बड़े हुए अगर मान लो कब बड़ा हुआ है, कहाँ पे, सिर वाले एरिया में, तो उसको बाहर निकालने के लिए आप क्या कर सकते हैं, इन सारे द्रव्य का उपयोग कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, अब वो डिपेंड करता है कि कहाँ पर क्या प्रॉब्लम हो रही है ना, तो उस अनुसार आपको क्या होगा, औषधि दी जाएगी, ठीक है। चलिए, तो इसका प्रयोग, ये सारे जो द्रव्य, इनका प्रयोग कहाँ कहाँ पर किया जाता है, तो सिर के भारी होने पर, अगर आपका सिर भारी हो रहा है तो आपको क्या कराना है, शिरोविरेचन कराना है, और आपको शिरोविरेचन द्रव्य लेना है, ठीक है। तो ये जो हमने द्रव्य देखे हैं वो आप कब यूज कर सकते हैं, अगर आपको सिर में भारीपन लग रहा है, अगर आपको जगराहट लग रही है, तब आप ले सकते हैं। चिरहसूल यानी कि सिर में क्या हो ना, वेदना होना है ना, तो तब आप क्या कर सकते हैं, शिरोविरेचन द्रव्य का उपयोग कर सकते हैं, है ना, इन द्रव्यों का उपयोग होता है, प्रयोग होता है। पीनस रोग को मॉडर्न में अगर देखें तो राइनोसाइनोसाइटिस बोलते हैं, ठीक है। और यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर जो प्रतिशाही है ना, प्रतिशाही जो है वो क्या हो जाता है, वो बिगड़ जाता है यहाँ पर, है ना, यानी कि नाक में जो प्रतिशाही होता है वो तो बिगड़ जाता है, कभी कभी क्या होता है, वो दुर्गंध भी आती है, ठीक है। अधकपाली मतलब क्या होना, सिर के आधे पार्ट में दर्द होना, आपने भी देखा होगा कभी कभी किसी को इतने वाले ये वाले एरिया में दर्द होता है, तो अगर मान लो सिर के आधे पार्ट में अगर आपको दर्द हो रहा है तो उसमें भी इसका प्रयोग किया जाता है, शिरोविरेचन द्रव्य का, है ना। शिरोगत कृमि रोग, अगर आपको नाक में कभी कभी क्या होता है, कीड़े पड़ जाते हैं, है ना, या इन्फेक्शन कुछ हो जाता है, तो उसमें भी आप क्या करते हैं, शिरोविरेचन द्रव्य का उपयोग कर सकते हैं, है ना। फिर आप समझ रहे हैं कि मिर्गी में, फिर घ्राण नाश मतलब जब किसी की अगर मान लो सूंघने की शक्ति कम हो गई हो, आपने देखा होगा कि किसी को क्या होता है, कम दिखाई देता है, है ना, किसी को कम सुनाई देता है, तो उसी प्रकार से क्या होता है, किसी किसी की क्या होती है, सूंघने की शक्ति कम हो जाती है ना, तो उस अगर मान लो किसी के सूंघने की शक्ति कम हो गई है, तो वहाँ पर भी आप क्या कर सकते हैं, ये जो शिरोविरेचन द्रव्य इनका प्रयोग कर सकते हैं। उसके बाद मूर्छायन बोल दो, या इसको आप क्या बोल दो, प्रमोह बोल दो, या इसको क्या बोल दो, फेंटिंग, तो इसमें भी क्या किया जाता है, आपका शिरोविरेचन द्रव्य का प्रयोग किया जाता है। अब देखिए वही चीज़ मैं यहाँ पर इंग्लिश में लेकर आया हूँ, तो जो इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट हैं आप नोट्स को देख लेना, ठीक है। चलिए, उसके बाद हम बात करते हैं, वही सेम चीज़ लिखी हुई है जो मैंने आपको अभी समझाई है। अब बात करते हैं अपन वमन द्रव्य। वमन द्रव्य कब कराते हैं, जब अगर आपको मान लो क्या हो, अमाशय की व्याधि हो, क्या हो आपको, अमाशय की व्याधि हो,
है ना, या कप दोष बढ़ा हुआ हो, या कप दोष क्या हो, बढ़ा हुआ हो, ठीक है। तो आप क्या करते हैं, वमन द्रव्य का उपयोग करते हैं। तो मदन फल है ना, मधु मुलहटी हो गया, नीम, नीम भी आप खा लो है ना, नीम भी आप खा लो, तो जब ज़्यादा ही नीम खा लेंगे ना आपको उल्टी जैसा लगेगा है ना, तो उसका भी उपयोग किया जाता है। जिमूत हो गया यानी कि देवदारी हो गया, कृत वेदन यानी कि कड़वी तोरई हो गई, पिपली, कुटज, इच्छवाकू, कटुतुम्बी, छोटी इलायची और धर्मार्गव है ना, तो धामार्गव, तो इन सब का, ये सब जो द्रव्य होते हैं, ये कौन से द्रव्य है, वमन द्रव्य है, ठीक है। उसके बाद अगर हम देखें तो अगर मान लो कफ दोष बढ़ गया, मेनली तो यहाँ पर कफ दोष, साथ में आप पित्त की भी वृद्धि मान सकते हैं, और अगर मान लो आपको अमाशय की व्याधि हो गई है, ठीक है, तो आपको क्या करना है, फिर उसको बाहर निकालना है, ठीक है। कफ को अगर बढ़े हुए कफ को बाहर निकालना है, तो वमन द्रव्य का उपयोग करते हैं, जो कि यहाँ पर लिस्ट दी गई है, ठीक है। उसके बाद विरेचन द्रव्य की हम बात करते हैं, तो विरेचन कब कराते हैं, जब अगर मान लो आपको पकवासय में कोई व्याधि हो, है ना, क्या हो, पकवासय की कोई व्याधि हो गई हो, ठीक है, या तो पित्त दोष बढ़ गया हो, है ना, पित्त दोष बढ़ गया हो, ठीक, तो वहाँ पर हम क्या करते हैं, विरेचन कराते हैं। विरेचन का मतलब क्या करते हैं, विरेचन का मतलब आप क्या करते हो, दस्त लगवाते हो, ठीक है, तो उसके थ्रू क्या हो जाएगा, आपका जो भी बड़े हुए दोष भी कर जाएंगे, बाहर निकल जाएंगे। तो पकवासय में स्थित दोष है ना, दुष्ट कफ या पित्त या पूरी साफ मान लो का विरेचन कराकर क्या करते हैं, बाहर निकालने के लिए त्रिव्रत हो गया, त्रिफला का यहाँ पर वर्णन किया गया, जिसको हम हरित की बोलते हैं, है ना, विविध की मतलब बहेड़ा, फिर आंवला, दंती, नीलिनी, सप्तला, वचा, कंपिल्लक, गवाक्षी, छिरणी, मैंने की भड़बाड़ है ना, करंज, पिलू, आरगवध, द्राक्षा, द्रवंती, बड़ी दंती जिसको बोलते हैं निचुल, इनका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। अब कई स्टूडेंट बोल रहे होंगे, सर आपने यहाँ पर श्लोक तो एक भी नहीं बताया, तो देखो इस चैप्टर में श्लोक इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर जिस भी स्टूडेंट को श्लोक याद हो जाते हैं तो आप श्लोक से भी कर सकते हो, है ना। अगर आप इस चैप्टर में श्लोक को देखेंगे तो वहाँ पर कुछ नहीं दिया गया है, ये जो मैं नाम आपको बता रहा ना, इनके ही नाम आपको श्लोक में मिल जाएंगे, ठीक है, वहाँ पर इतना कुछ डीप नहीं दिया गया है, ठीक है, और इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक। तो जिस स्टूडेंट को श्लोक से याद हो रहा है नाम, तो आप श्लोक से कर लो, क्योंकि कई स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनको श्लोक से जल्दी याद हो जाता है, और श्लोक करना अच्छी बात है, क्योंकि श्लोक से जब आप याद करते हैं ना, तो आपको ज़्यादा समय तक वो चीज़ याद रहती है। जैसे कि आपने भी देखा होगा, जब आप बचपन में आपने बहुत सारे मंत्र पढ़े होंगे तो अभी तक आपको याद है, तो ये बेनिफिट रहता है। तो जिसको श्लोक याद हो जाते हैं तो वो इन सारे द्रव्यों को श्लोक के थ्रू भी याद कर सकते हैं, लेकिन जिनको श्लोक नहीं याद होता तो आप हिंदी भी कर लो, इस चैप्टर में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इंपॉर्टेंट नहीं है आपको यहाँ पर श्लोक याद करना, ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ पर एक भी श्लोक को इंक्लूड नहीं किया, ठीक। उसके बाद चलिए आगे बढ़ते हैं, उसके बाद हम अस्थापन बस्ती देखते हैं, ठीक है। बस्ती कब कराते हैं, जब क्या हो, वात दोष बढ़ा हो, तब आप क्या करते हैं, बस्ती कराते हैं, ठीक है। दो प्रकार की बस्ती होती है, एक अस्थापन बस्ती होती है, एक निरु बस्ती होती है, ठीक है। चलिए तो देखिए, आप पाटला हो गया है ना, यानी कि पाठल, अग्निमन, अरणी, बिल्लव यानी कि बेल, श्योना, काश्मर्य है ना, सालपर्णी, पिटिवन, भटकटैया, बला, गोकुरु, बड़ी कटेरी, एरन, पुनर्नवा, जौ, कुल्थी, बेर, गुडुची, मदन, पलास है ना, चक्रपाणी, और चार प्रकार के जो स्नेह, स्नेह का मतलब चिकनाहट जो लाते हैं ना, जैसे कि घी, तेल, वसा, मज्जा, और पांच प्रकार के नमक। पांच प्रकार के हमने नमक लास्ट चैप्टर जब हमने पढ़ा था वहाँ पर हमने उसका वर्णन किया था, जिसके बाद करते काला नमक, सेंधा नमक है ना, वीट लवण, औद्विद और सामुद्र, ठीक है। तो इनका द्रव्य का उपयोग किस लिए करते हैं, बस्ती के लिए करते हैं। कब करते हैं, जब आपको मान लो वात दोष बढ़े हो, या तो आप उदावर्त, उदावर्त में क्या होता है, यहाँ पर दोष जो होते हैं या मल जो होता है, क्या होता है, बॉडी के ऊपर आने लगता है ना, बॉडी के ऊपर आने लगते हैं, तो इनको क्या करना, वापस नीचे ले जाना, ठीक है, और बस्ती के थ्रू इनको क्या करना, बाहर निकालना, ठीक है। या तो आपका मान लो कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, तब भी आप क्या करते हैं, इन बस्ती के द्रव्य का उपयोग करते हैं। चलिए उसके बाद अगर हम बात करते हैं अनुवासन बस्ती, तो देखो जो हमने अभी निरोहण बस्ती में यूज़ किया था, तो वही सारी चीज़ें आप जो हमने क्या किया था, ये जो निरोहण बस्ती या स्थापन बस्ती में जो द्रव्य का उपयोग किया था, वही सारे द्रव्य का आप अनुवासन बस्ती में भी क्या कर सकते हैं, उपयोग कर सकते हैं, ठीक है। तो जिन पाटला या औषध द्रव्यों का स्थापन बस्ती के लिए उपदेश किया गया है, यानी औषध में वात हर औषध के लिए वातनाशक अनुवासन बस्ती की भी कल्पना करनी चाहिए, मतलब जो हमने ऊपर जो निरोहण बस्ती के लिए द्रव्य का वर्णन किया है, वही सारे द्रव्यों का उपयोग आप किस में कर सकते हैं, आपके अनुवासन बस्ती के लिए भी आप कर सकते हैं, ठीक है। चलिए उसके बाद पूर्व कर्म, देखो क्या होता है कि पंचकर्म करने से पहले आपका क्या कह रहता है पता है, पूर्व कर्म कह रहा है, मान लो आपके पास कोई भी क्या आया, पेशेंट आया, ठीक है,
और उसका अगर मान लो आपको क्या करना है, पंचकर्म करना है, मतलब बड़े बड़े दोषों को अगर आपको क्या करना है, बॉडी से बाहर निकालना है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको पूर्व कर्म करना पड़ेगा। आपको क्या करना पड़ेगा, पूर्व कर्म करना पड़ेगा। ठीक है, पूर्व कर्म की बात करते हैं तो पूर्व कर्म में क्या आता है, एक तो आपको क्या होता है स्वेदन आता है, और दूसरा आपको क्या आता है इसमें स्नेहन आता है। ठीक है, स्नेहन, स्नेहन का मतलब क्या होता है, स्नेहन का मतलब होता है चिकनाहट। स्नेहन का मतलब क्या होता है, चिकनाहट। तो यहाँ पर आप क्या करते हैं, स्नेहन की अगर हम बात करते हैं, यहाँ पर आप क्या करते हैं, यहाँ पर आप तेल या घी से, मेडिकेटेड तेल या घी से आप क्या करते हैं, बॉडी की मसाज करते हैं, बॉडी की आप क्या करते हैं, मसाज करते हैं। ठीक है, तो इससे क्या फ़ायदा होगा, इससे फ़ायदा ये होगा, इससे क्या फ़ायदा होगा, इसको मैं इधर ले जाता हूँ, है ना, चलिए थोड़ा छोटा कर देता हूँ। ठीक है, चलिए, तो इससे क्या फ़ायदा होगा, आप बॉडी की मसाजिंग करेंगे तो इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि आपके जो दोष है ना, आपके जो भी बड़े हुए जो भी दोष है वो क्या हो जाएंगे, नरम हो जाएंगे, या ऐसा बोलते हैं पिघल जाएंगे, वो क्या हो जाएंगे, पिघल जाएंगे, अगर आप क्या करेंगे उसकी मसाजिंग करेंगे। ठीक है, और स्वेदन, उसके बाद आपका स्नान, स्नान करा, उसके बाद आपका कर देना है स्वेदन कराना है, है ना। स्वेदन की बात करते हैं, स्वेदन आप क्या करते हैं, आप क्या करते हैं, भाप देते हैं, गर्म भाप देते हैं बॉडी को। ठीक है, तो इससे क्या होगा, इससे क्या होगा, इससे क्या होगा कि जो दोष है वो क्या हो जाएंगे, आपके जो दोष है वो क्या हो जाएंगे, देखो वहाँ पर नरम, सॉरी यहाँ पर नरम हुआ, वहाँ पर क्या हो जाएगा, नरम हो जाएगा, और यहाँ पर आपके जो दोष है उसको आप क्या करेंगे, गर्म करेंगे, और गर्म करके यहाँ पर आप क्या करेंगे, पिघलाएंगे। ठीक है, तो इससे क्या होगा, आपने क्या करा, पूर्व कर्म करना, आपको स्वेदन करना, आपको क्या करना है, आपको स्नेहन कराना है। तो ये दो कर्म जब आप करेंगे तो इससे आपके दोष जो क्या जाएंगे, बड़े बड़े दोष नरम हो जाएंगे, है ना, और क्या हो जाएंगे, पिघल 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 कर क्या हो जाएंगे, द्रव स्वरूप हो जाएंगे। ठीक है, तो इससे ये फायदा होगा कि जो भी शाखागत, जो मतलब आपके देखो जो भी शाखाओं में दोष है, जो भी क्या है, शाखागत दोष है, शाखागत दोष है, तो इनको आपने क्या करा, स्वेदन कर्म और स्नेहन कर्म से पिघला दिया, नरम कर दिया, तो ये भी जो शाखागत दोष है या शरीर में जो भी दोष है उनको आप क्या करेंगे, फिर पिघल गए, पिघलने के बाद ये सारे दोष फिर किस में आ जाएंगे, आपके या तो अमाशय में आ जाएंगे, अमाशय में आ जाएंगे, या तो आपको किस में आ जाएंगे, पक्वाशय में आ जाएंगे, या तो आप किसके जाएंगे, पक्वाशय में आ जाएंगे, है ना। तो आपने क्या किया, स्नेहन और स्वेदन कर्म से इन दोषों को नरम किया, पिघलाया, और पिघलाकर इन सब दोषों को आपने क्या कर दिया, अमाशय में ले आए, या किस में ले आए, आप पकवासे में ले आए। ठीक है, फिर पकवासे में ले आए तो इसका आप क्या कर दोगे, इसका आप क्या कर दोगे, बस्ती कर दोगे, है ना, बस्ती कर दोगे, या आप क्या कर दोगे, इसका विरेचन कर दोगे, है ना, या इनका क्या विरेचन कर दोगे और बॉडी से बाहर कर देंगे, और इन दोषों को जो भी शरीर में दोष थे इनको आप क्या ले आए, अमाशय में ले आए, अमाशय में लाने के बाद इनका आप क्या कर दोगे, अमन कर दोगे, बस इससे फिर क्या जाएंगे, बॉडी से बाहर निकल जाएंगे। तो स्वेदन कर्म और स्नेहन कर्म आपको करना पड़ता है पंचकर्म से पहले, ताकि जब भी दोष वगैरह वो क्या हो जाए, पिघल जाए या नरम हो जाए। ठीक है, चलिए, तो देखिए, जिन रोगों को वात आदि दोष उपस्थित हो उन रोगियों का स्नेहन स्वेदन कराकर मात्रा तो स्नेहन स्वेदन क्यों कराते वो मैंने आपको बताया, उसका रीजन क्यों कराते। ठीक है, चलिए, फिर बाद में उन्होंने क्या बोला कि मात्रा और काल का विचार करते हुए आपको क्या करना है, नश्य वमन विरेचन अस्थापन अनुवासन, यानी कि आपको पंचकर्म करना है। ठीक है, तो पंचकर्म से पहले आपको क्या करना है, स्नेहन और स्वेदन कराना है, उसके बाद आपको औषध की कितनी मात्रा होना चाहिए और काल, इस सब का विचार करके आपको फिर क्या करना है, पंचकर्म करना है। ठीक है, इन पांच कर्मों का प्रयोग आवश्यकता अनुसार आप करें। ठीक, तो यह होता है आपका चैप्टर का पहला पार्ट। ठीक है, चलिए, अब नेक्स्ट वाले पार्ट में क्या करेंगे, यबागु का वर्णन कर लेंगे। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, और जिसको भी कोई डाउट हो तो आप व्हाट्सएप ग्रुप में पूछ सकते हैं, मैं अभी सबके लिए मैसेज क्या कर दूंगा, ऑन कर दूंगा, लेकिन वहाँ पर मेरे को कोई फालतू का ज्ञान नहीं देगा कि सर आप ये पढ़ा दो, ये पढ़ा दो, ये पढ़ा दो, ये पढ़ा दो। आपको जो शेड्यूल दिया गया है उसके अकॉर्डिंग क्या होगी, वहाँ पर क्लासेस होगी, हो सकता है शेड्यूल से एक दो दिन क्लास थोड़ी लेट हो जाए, क्योंकि वो डिपेंड करता है भाई। अब ऐसा थोड़ी मैंने चार लेक्चर शेड्यूल में दे दिया तो चार दिन में ख़त्म करूँ, जरूरी नहीं भाई, वो तो टॉपिक पर डिपेंड करता है। अगर मैं संधि की बात करता हूँ, संधि के लिए मैंने सिर्फ 6 लेक्चर दिए थे, लेकिन बाद में को समझ में आया कि नहीं यार मेरे को अलग अलग पढ़ाना है सब संधि को, तो मैंने फिर क्या किया, उसको अलग अलग पढ़ाया है, ऐसे करके वहाँ पर करीबन 10 से 15 लेक्चर हो जाएंगे। तो वही है, वो क्या होता है, डिपेंड करता है टॉपिक पर। अगर आप बोलोगे सर आपने 4 दिन का शेड्यूल दिया था, 4 दिन में ही खत्म करना है, तो वो नहीं होगा मेरे से, है ना। तो कोई मेरे को फालतू का ज्ञान देगा नहीं कि सर आज लेक्चर नहीं आया है, सर आप ये पढ़ा दो या वो पढ़ा दो, हमारे कॉलेज में ये चल रहा है, कोई मेरे को ये ज्ञान देगा नहीं, मैं अपने अकॉर्डिंग चलूंगा। ठीक है, और टाइम से आपको मैंने बोला है ना, आपकी यूनिवर्सिटी एग्जाम से 2 से 3 महीने पहले सिलेबस हो जाएगा, तो हो जाएगा।
ठीक है, लेकिन फालतू का ज्ञान मेरे कोई देगा नहीं। अगर आप फिर से इस तरह से ज्ञान देते हैं तो वापस मैं आप सभी के लिए सारे मैसेजेस जो क्या कर दूंगा, म्यूट कर दूंगा। तो इससे क्या होगा, आप डाउट नहीं पूछ पाएंगे, ठीक। तो वो एकदम शांति का माहौल बनाए रखिए और बढ़िया तरीके से पढ़ते रहिए, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए ओके बाय, सी यू अगेन।